Hello students, I hope you are all well. We are on the rational number chapter and we have done exercise 1 and exercise 2 of this chapter. In exercise 1, we learned about the definition of rational number, what were rational number, and in exercise 2, we learned about equivalent rational number. Okay. Now, next is, in exercise 2, we learned about comparison of rational number. Okay. We had comparison of rational number also when the denominators are same, the rational number are compared on the basis of their numerator. जब भी rational numbers का denominator same होता है, तो उनका numerator देख के हम पता करते हैं कि कौन सा number बड़ा है, कौन सा number छोटा है। अब ये comparison वाली जो चीज है, ये बहुत काम आएगी आपका addition और subtraction of rational number में। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे addition of rational number। Addition of rational number start करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए लिख लीजिए नोट डाल के एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ टू और मोर रेशनल नंबर्स Addition or subtraction of two or more rational numbers is done by making या फिर first of all making denominator same denominators same and then applying proper operations at numerator. Applying proper operation at numerator. Okay, तो सबसे पहले तो ये है कि क्या करने वाले हैं हम थोड़ा सा बताया इस बारे में कि सबसे पहले तो पिछली बार की तरह जैसे हम कंपेयर कर रहे थे उसी तरह से सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं हम एलसीएम वगैरह लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड या सबट्रैक्ट जो भी बात कर रहे हैं करेंगे अब बेटा एक चीज का ध्यान रखना एडिशन कैन बी डन इन टू वेज व्हेन साइन ऑफ टू और मोर नंबर्स आर सेम देन दे आर एडेड व्हेन दे आर डिफरेंट देन दे आर सबट्रैक्टेड अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स का साइन सेम है तो उनमें एडिशन होगा जैसे कि -3 और -7 है मेरे पास तो ऐड हो जाएंगे -10 आंसर आएगा और अगर मेरे पास -3 और +7 है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा प्लस का 4 आंसर आ जाएगा तो ये बात भी मैं लिख रहा हूं आप में से काफी सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं एक और नोट डालो एडिशन इज एन ऑपरेशन या फिर ऐसे लिखे ऑपरेशन ऑफ एडिशन of addition is done between numbers of same sign between numbers of same signs तो अगर नंबर का साइन सेम है तो उनके बीच में एडिशन होगा तो और नंबर का साइन डिफरेंट है तो उनके बीच में सबट्रैक्शन होगा तो ये बात भी हम लिख लेते हैं
ऑपरेशन ऑफ सबट्रैक्शन इज डन बिटवीन नंबर्स ऑफ डिफरेंट साइंस. अगर नंबर का साइन डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर नंबर का साइन सेम है तो हम एडिशन करेंगे. ओके एक चीज, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एड दिस टू नंबर्स तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है. और अगर क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर्स तो आपको दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है. ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब वापस से बात करेंगे, अभी के लिए केवल इतना ही है एडिशन के लिए. अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं. पहले बात कर रहे हैं एडिशन की, तो आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.3 एंड हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. ओके एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6 पहले तो एक्सरसाइज लिख लेते हैं. एक्सरसाइज 3.3 इट इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आपके पास तीन पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, एक बार हम ये क्वेश्चन कर ले तो उसके बाद वो वाले क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा. हम लोग डिस्कस तो करेंगे तो थोड़ा सा वेट की बात. ओके क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड, इसमें तीन पार्ट हैं, दो पार्ट में डिस्कस, एक्चुअली एक ही पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, सेवेंथ वाले के दो पार्ट डिस्कस कर लूंगा. फाइंड, इसमें हम ए पार्ट लेते हैं, हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -7/8 + 5/6. ठीक है, अब बेटा ध्यान दो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया. रुको एडिशन का निकाल लेते बेटा, मेरे को सबसे पहले तुमको एडिशन ही बताएंगे हम. सी पार्ट देखते हैं, -3/8 + 5/12. ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले तो हम रीराइट करेंगे करेक्ट फॉर्म में. करेक्ट फॉर्म क्या होती है, देखो इंडिविजुअल रेशनल नंबर है तो ये करेक्ट फॉर्म में नहीं दे रखे. करेक्ट फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, कि माइनस का साइन जो है डिनोमिनेटर में ना हो के न्यूमरेटर में हो. सबसे पहले से करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे 3/8 + -12/5/12. ओके माइनस का साइन जो है ऊपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कल भी ये बात की थी हम. अच्छा जी, जब माइनस का साइन ऊपर ट्रांसपोर्ट हो गया तो देखो ध्यान से, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ -3/8 - 5/12 - (+) का साइन. अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जैसे कल किया वैसे ही आज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 8 और 12 का. डिनोमिनेटर क्या, एलसीएम निकालेंगे, तो 4 2 8 4 2 12 2 1 2 2 और 3 1 3. तो आपके पास एलसीएम आएगा 4 2 8 8 3 24. एलसीएम की वैल्यू आई आपके पास 24. ओके तो ये रफ में कर रहे हैं, 24 याद रखेंगे थोड़ी देर, मैं इसको मिटा देता हूं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलसीएम की वैल्यू आ गई 24. तो हमको क्या करना है, 8 में कुछ मल्टीप्लाई करना है कि ये 24 हो जाए. 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 24 हो जाए, तो -3/8, इसके ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाए. 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये 28 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 3 8 = 24. इसी की तरह से हमारे पास दूसरा नंबर है 5/12,
इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 28 हो जाए, तो ऊपर नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 to the 24, 12 किया तो दिस विल बी -9/24, तो यहाँ पे आ गया -10/24। अच्छा बेटा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, आप एलसीएम ले लेते हो और न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। वो भी तरीका मैं बता सकता हूँ, मगर क्या है कि बेटा ऑनलाइन क्लास लग रही है, वो तरीका जब मैं बताता हूँ ना तो काफी सारे बच्चों को जो है दिक्कत आती है उसको तरीके को फॉलो करने में, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है आप ये फॉलो करते हो या अपने तरीके से सॉल्व करते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आंसर करेक्ट आना चाहिए। और एक बात और, जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे को कुछ बच्चों ने बताया है कि आप लोगों की एक ही कॉपी बनी है, दो कॉपी होमवर्क और क्लास से कॉपी अलग अलग नहीं बनी, ठीक है। क्लास सर ने आपसे होमवर्क और क्लास से कॉपी अलग अलग नहीं बनवाई है, एक ही कॉपी में काम करने को कहा। तो अगर ऐसा है तो आप होमवर्क और क्लास एक ही कॉपी में जिसमें करते आए हैं उसमें करते रहिए, और अगर आपने होमवर्क और क्लास से कॉपी अलग अलग बनाई है तो जो होमवर्क दे रहे हैं वो अलग कॉपी में कीजिए, जो क्लास में कर रहे हैं वो अलग कॉपी में कीजिए, ठीक है। इस बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को हो तो मुझसे कांटेक्ट कर ले। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं और न्यूमरेटर ऊपर ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में एक तो माइनस का 9 है, एक माइनस का 10 है, माइनस का 9 माइनस का 10 दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन होगा, -19/24। आई क्या बात समझ में। इसी का एक और तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्युएट, इसमें मैं देखता हूँ एडिशन का पूरा पूरा एडिशन का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सबट्रैक्शन भी साथ में है, तो फिर भी कोई बात नहीं कर लेते हैं, ओके। इवेल्युएट इसका ए पार्ट लेता हूं मैं और इसका सी पार्ट लेता हूं। ए पार्ट लिया -11/12 + 7/18 + 5/-9। वापस से सबसे पहले रेशियल नंबर थोड़ा अजीब सा दे रखा है, इसको सही करो। सही कैसे करते हैं, माइनस साइन ऊपर ले जाते हैं, दिस इज -11/12 + 7/18 - 5/9, और इसका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 12, 18 और 9। सबसे पहले 3, 3 4 12, 3 6 18, 3 3 9, वापस से 3 4 2 2 6 3 3 2 2 4 1 1 और लास्ट में भी 2 1 1 1। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 36, ठीक है, याद रखना 36, भूल मत जाना, मैं गलत लिख दूं तो मेरे को बता देना। तो एलसीएम लेंगे 36, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एलसीएम जो है 36 हो जाए। तो सबसे पहले -11/12 की बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, क्या मल्टीप्लाई की 36 आ जाए 3। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर के हिसाब से नहीं। अगला 7/18, 18 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 36 आ रहा है 2, और अगला नंबर 5/9, 9 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 36 आ रहा है 4, ओके। याद रखो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि केवल नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, फिर गलत हो जाता है। दिस इज -33 और नीचे तो 36 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर आएगा 14 और नीचे 36 ही आएगा, और माइनस का 5 4 20 और नीचे 36 ही आएगा। अच्छा जी, कॉमन डिनोमिनेटर आया अपना 36 ही आ रहा है सब में, तो कॉमन हो गया, कॉमन ले लिया, -33 + 14 - 20,
अब देखो पहला नंबर नेगेटिव है, लास्ट वाला नंबर नेगेटिव है, तो साफ साफ लिख देते हैं -33 -20/36। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 14 -33 और 20 हुआ 53/36। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 50 में से 10 गया तो 40 में से 1 गया तो 39/36 माइनस का, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 13/3 3 2 6 माइनस का 13/12। ओके, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। चेक करके देख लेते हैं भाई, हो सकता है गलती हो जाए, गलती हो जाती है फिर बाद में बच्चे मारते हैं मेरे को फोन कर करके, सर आपने है ना गलत कर दिया, सर आपको आता नहीं है, सर आपकी इतनी सी कैलकुलेशन ढंग से नहीं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 पार ए पार्ट, गुड। ये जो क्वेश्चन में फाइनल आंसर दे रखा है आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, अपन को आंसर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं निकालना, अपन को रेशनल नंबर के ऊपर है, अपन को ऐसा कैसा आंसर छोड़ना, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में करो तो पीछे का बुक से मैच हो जाएगा, बाकी वो नहीं करना हमें। चैप्टर का नाम रेशनल नंबर है, ऐसे कैसा आंसर रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना अपन को। सबसे पहले -1/3 +1 1/4 +-1 1/8। तो सबसे पहले तो सभी को सही रेशनल नंबर लिखते हैं, -1/3 ठीक है, 1 1/4 तो 4 1/4 4 + 1 5 5/4 और ये -(-) 8 1 8 8 + 1 9 9/8। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना तो आता ही होगा आपको, ठीक है, पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो अब कुछ नहीं करना अपन को, अपन को वही काम करना है एलसीएम लो अपने बढ़िया तरीके से, किसका 3 का 4 का 8 का 3 1 3 4 8 8 ही है ना भाई, हाँ जी 8 ही है। उसके बाद 4 1 1 2 और फिर 2 1 1 1 एलसीएम आपके पास आएगा, याद रखने क्या आया 3 4 12 12 2 24, याद रखिएगा एलसीएम आया 24, मतलब कि सभी डिनोमिनेटर को हम बदलेंगे किसमें 24 में। तो वापस से वही कहानी, -1/3 को क्या मल्टीप्लाई करेगी 24 आ जाए, तो 3 8 होता है 24, ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद प्लस 5/4 को क्या मल्टीप्लाई करेगी 24 आ जाए, 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो 24 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर तीसरा माइनस का 9/8, 8 को क्या मल्टीप्लाई करेगी भैया 24 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ ही जाएगा। तो डिनोमिनेटर से सबका सेम 24, ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते हैं -1 × 8 -8 5 6 30 30/24 9 3 27/34 24, सबका डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। और -8 + 30 - 27 सही से लिखा, सही से मतलब सारे माइनस के एक साथ और प्लस के एक साथ। सॉल्व किया 30 - 27 और 8 ऐड किया तो 35 आएगा मेरे ख्याल से, देख लो भाई आपका कुछ और आए तो बता देना, ऐसे भी क्या बात, और जी कई बार गलती कर देते हैं -5/24। ये भी पीछे चेक कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का बुक हाथ में लेके बैठा बेटा मैं ऐसे मुझसे तो 55/63 आ रहा है, ये क्यों 7 का है ना -5, तो ये बेटा अपना पीछे गया कि ऊपर मैच कर गया, पर आंसर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो मेरे ख्याल से एडिशन वगैरह वाले में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और टॉपिक आता है आपका, दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। ओके, तो ये लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन करा देते हैं आपको। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, द नंबर व्हिच व्हेन एडेड, ऐसे लेते हैं
फॉर अ नंबर पी, फॉर अ नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है, एक्स ले लेते हैं, फॉर अ नंबर एक्स, इट्स, फॉर अ नंबर एक्स, वाई इज इट्स एडिटिव इनवर्स, y is its additive inverse when x plus y is equal to 0. अब हिंदी में समझे क्या लिखा है, क्या करेंगे, आपको कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो मैंने एक नंबर दे रखा है 3, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया 3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 3 में ऐसा कोई नंबर ऐड कर रहे थे जिसका आंसर 0 होगा, 3 में क्या ऐड करेंगे आंसर 0 होगा, 3 में माइनस 3 ऐड करो आंसर 0 रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि 5 अपॉन 11 का एडिटिव इनवर्स बताओ, 5 अपॉन 11 में क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 रहे, माइनस का 5 अपॉन 11 ऐड कर दो, आंसर जो है 0 आ जाएगा, आई क्या बात समझ में। तो एडिटिव इनवर्स और कुछ नहीं हुआ, आपके पास जो नंबर है जिसको एडिटिव इनवर्स पूछा है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 अपॉन माइनस 15। तो पहले तो इसको डाउन से लिखेंगे माइनस 15 अपॉन 7, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए माइनस के साइन से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, भाई माइनस का साइन लगाया माइनस इंटू माइनस का हो जाता है प्लस 15 अपॉन 7, तो माइनस 7 अपॉन सॉरी 7 अपॉन माइनस 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस 15 अपॉन 7। तो यार कोई तो तुम बोलते नहीं हो, मैं कर लिख देता हूँ, तुम सुन लेते हो, क्या किया मैंने माइनस के साथ न्यूमरेटर भी डिफरेंट कर दिया, वापस देखो माइनस सॉरी 7 अपॉन माइनस 15 है, इसको सही से लिखेंगे तो माइनस 7 अपॉन 15 आएगा, ठीक। ध्यान से देखो न्यूमरेटर की वैल्यू ऐसे केवल साइन उतर गया, ओके। तो अब क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए डी डी आई टी आई वी ई आई एन वी ई आर सी इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन लगा के आपके पास जो नंबर था वो वैसा का वैसा, दिस विल बी 7 अपॉन 15, ये आंसर होगा आपका, ठीक है, मार्क कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये अपना एडिशन वाला पार्ट कंप्लीट।